रखो। मेरा नाम जी गौहर अली है, हम लोग खैमे लगाकर बैठते हैं और मेहनत मजदूरी करना हमारा काम है। सानू इतने कम से कम ना 10-12 साल हो गया इस जगह दे मारे कह गया पीर हमीदुरी हमीन चिश्ती जी। रहन सहन का काम कुम हम करते हैं, काम मतलब जिम्मेदार कोई भी हो और उसके साथ हम लोग मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और जिम्मेदारों में काम उसके जो काम होता है उसके काम में हम लोग हाथ बटाते हैं और जिम्मेदारी में तनख्वाह उसके साथ बात कर लेते हैं। 10-12 सौ या मेरी होने इस टाइम मैं काम करता हूँ ना जिम्मेदारों के साथ, मेरी 14,000 रुपये तनख्वाह, कम से कम 10-12 हज़ार का सारा खर्चा हो जाता है। खैर मैं तो ऊपर से इसके कपड़े का कपड़े से अलावा ना 10-12 हज़ार तो हो जाता है सरिया सुरी लाने का, गुले गुले लगाने का और नाले लाने का। फिर हमारे ऊपर सर पर खैमा खड़ोता है, ये टोटल 26,000 का। मेरे पापा लै के आया सगा मेरी मम्मा ने इतने, तो फिर उस दिन मैं पढ़ता सगा छोटा जहाँ, तो उस दिन तो बाद फिर आज तक इतने सन 10-12 साल पढ़िया नहीं तू कोई नहीं उस तो बाद कुछ भी नहीं पढ़िया उस बाद फिर काम कार मतलब क्या मैं पढ़ता भी सगा ना तो मैं काम कुम लाजमी करता सी घर भी मैं काम करता सगा। मेरे उस्ताद बहुत अच्छे से हाँ जी 18 के सके उस्ताद मेरे उस्ताद ये कोई उन्हें वर्गा बंदा कभी नहीं ते खेमे दे विच रहना सहना तो तुम औखा नहीं लगता? हमें सब जेड़ा कि औखा तो है लेकिन ये अभी जब हम लोग अपने हालात को देखते हैं ना और जिम्मेदारों की टेंशन देखते हैं ना तो हमें अच्छा लगता है कि हम यहाँ पर बहुत खुश हैं। उस मालिक का बहुत शुक्र है, हमने वो उसने हमें बहुत खुश किया। वो यार ये मेरे हाथ पर ना सांप लड़ा था, इसी भी फिर मैं कार पर सांप लड़ा था, सैलेज वाली मशीन नहीं होती उनके ऊपर काम कर रहा था और मुझे नहीं पता लगा यार कि क्या हुआ था। साढ़े जी ब्याह होता है कि जी फैमिली मतलब बात करनी है रिश्तेदारों से, अगर जब रिश्ता पक्का हो जाता है ना तो फिर हम लोग ले आकर आते हैं खेमे और एक खेमा जो आएगा दो मियाँ बीवी को लेकर दे देते हैं और उनका घर में सिरकट चलता है, मतलब उनका पर्दा पर्दा हो जाता है। हम लोग जायज नहीं देते जी, हम लोग अपने तरफ से अपने जियो को आप देते। जब से मैं हुआ हूँ ना और जब से मेरे माँ बाप हैं हम लोग ने कभी बाहर से किसी के साथ नहीं रिश्ता किया। कितने साल की उम्र से तड़े शादी कर देंगे साढ़े हमारे जो है लड़का वो 17-18 तक यहाँ पर और लड़की 19-18 अगर लड़की वाले अच्छे हों तो मतलब कर लेते हैं, मतलब मेरे बाबा वाले याद करते हैं और जो लड़की वाले अच्छे ना हो तो हम लोग नहीं करते। मेरी शादी हो चुकी है, शादी हो मेरी में साल हो गया नहीं जी, मेरे बच्चे मैं बहुत इज्जत करता थी। मेरे सहरे ने इतने माड़ी पैर से सड़ लगी तो मैं चला गया, उन्होंने मैं 2 महीने ना घर की उन्होंने मुलाजमत की, मैं घर का काम इतना आप का भी मेरे को डरक डर मिलाया, मैं आधे माल की भी करके जाता सगा, फिर उन्होंने भी माल की करनी जा के सारी दिहाड़ी मेरी बेगम ही खपती सी, तो फिर मैं आज बेगम के दुख नहीं दिता सी, बहुत खुश रखा सी, तो मैं कभी नहीं आदम और क्या भी दुकान का मेरी बेगम जो थी ना उसके सके माँ बाप नहीं थे, इसीलिए मैं उसको काम नहीं करता, बहुत खुश रखता। एक दिन हम लोग जा रहे थे रेडी पर पट्टे लेने सुबह सुबह 9-10 बजे के टाइम, घर से लेट हो गए थे और फिर जा रहे थे, अस बड़े खुश थे, मेरी मम्मा सी मेरे पापा सी तो मैं सी तो मेरी बहन सी, अस तो जा रहे थे, तो बाहर जो निकले ना इतों पिंडों बाहर गया तो पट्ठिया ने नेड़े पहुँचना, अगे मेरा सहुरा सी तो मेरी सास सी तो उसका एक भाई सी, उनका भाई जरा मेरे वक्खी पिया सी मेरे पापा का, उन्हें मेरे पापा का गरमा पकड़े बस उन्हें मारे उन्होंने मेरे पापा, फिर भी मैं नहीं कुछ किया, मैं कह चलो कोई नहीं हो जाए, मेरे पापा ने नहीं मेरी बखी पैर दी, सिर्फ इस रिश्ते की वजह तू कि मेरी शौक न शादी मेरे पापा की थी, मेरी बेगम खुद मैं मूँह कह के भरी जी, उन्हें कह मैं तेरे ना ब्याह करा तो मैं करा लिया,
फिर मेरी मम्मा दी उन्हें बांह इत्थे लक्कड़ मारी ना मेरी मम्मा दी बांह च खून निकल गया उतो फिर चंगा ठोक के रख के मैं कुटिया ही उन्हें जो मेरे माँ प्यो दे नहीं आते फिर मैं उत्थे की सोचता मेरी बेगम भी बड़ी मजबूर हो गई मेरी बेगम नु कुराने मजीद ते हाथ रखा के तो उन्होंने तलाक ले लिया क्योंकि वो तलाक नहीं लेंगे शादी कर दी थी हाँ जी अगे भी की पर लेकिन बस्ती तो बोलनी पी है हूँ भी घरे बैठी मेरे शौक तो बहुत ऊंचे ऊंचे थे यार मेरे दिल की इच्छा है भी मैं ना जिम काम करना जिम में काम करना चाहता दिल के तो बहुत सुखने यार बुरे उन्होंने मुलाकात कराई मैं चाहता सी फिल्म यार काम करा मैं हाँ जी मेरा बड़ा अच्छा शौक है फिर माँ बाप की टेंशन देखता हूँ तो मैं कुछ नहीं करता इसलिए फिर मैंने कभी किसी भी बात लेकिन फिर भी उस मालिक का बहुत शुक्र है हमने हमको उसने बहुत कुछ दिया कभी ये सोचा ही नहीं है कि मैं यहाँ पर मेरा मलेशिया जाने का प्रोग्राम एक दिन बन गया था मेरी बात बूत हो गई सी पैसे पूसे बना लिए थे मेरे पापा वाले ने टेंशन मेरे पापा ने मैंने कहा भी कोई टेंशन नहीं थी मेरे दिल की बहुत इच्छा थी मैंने सोचा कि मलेशिया जाता वहाँ पर मुझे बताया कि 1,00,000 रुपया एक महीने की तनख्वाह और काम पर हम लोग तो मेरे खाएंगे फिर मुझे मेरे पापा ने नहीं जाने दिया वो टेंशन बहुत रहते हैं मेरे माँ मैं यहाँ पर एक बार मैं फैसलाबाद काम के लिए गया था मेरे पापा बहुत टेंशन रह गए थे मेरे पापा की बहुत कंडीशन ख़राब हो गई बहुत इसी वजह से फिर मैं वापस आ गया Thank you.